तो आज हम करेंगे Zenfone Lite L1 के टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। जी हाँ, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इंड स्क्रीन जो होता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं तो पहली बात है कि पहले जल्दी से जाके, जैसे आपको फ़ोन मिल जाता है उसके साथ पहले से ऑर्डर कर दीजिए इसका स्क्रीन गार्ड, नहीं तो आप दुकान में जाके जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मूथनेस है ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मैं अभी ये वीडियो शूट करने वाला था लेकिन जैसे देखा ये प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले दुकान में गया, और जो भी इसका स्क्रीन गार्ड भी ये नहीं है, ये ऑनर 6S का है, इसका स्क्रीन गार्ड अभी नहीं मिला दुकान पर, तो ये पहले लगा दिया। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे ओलियोफोबिक का कोटिंग नहीं है, यहाँ पे कम दिया है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब फील हो रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत अजीब फील हो रहा है अगर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाए तो। स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद वही सेम होता है, क्योंकि स्क्रीन गार्ड में भी वही ओलियोफोबिक कोटिंग रहता है, तो उस टाइप का रहता है, तो ये स्मूथ लगता है, और अगर इसको निकाल देंगे तो बहुत ही अजीब तरह लगेगा। तो इसीलिए ध्यान से जब भी आप ये फ़ोन खरीदोगे तो पहले स्क्रीन गार्ड लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ओलियोफोबिक कोटिंग बहुत ही अजीब लग रहा है। साइज से है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है, तो आप लगा देने से इसको स्मूथली यूज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो, और वीडियो बहुत स्पीड बताऊंगा, जैसे कि बाकी सब टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बताता हूँ बहुत स्पीड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है अगर स्लो स्लो बताना है तो आपको जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका जरूर से जवाब दूंगा। तो पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये जो चीज़ है ये रियलमी C1 में नहीं था, इसलिए वो वीडियो जल्दी से ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो ये है, तो इसलिए साइज से लंबा हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं वॉलपेपर से। तो यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे गेट मोड एक ही कंजूस किया है Asus ने, तो एक ही वॉलपेपर दिया गया है, तो आप यहाँ पे गैलरी वगैरह और लाइव वॉलपेपर ये सब कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कहाँ, उसके बाद जाते हैं विजेट्स में। विजेट्स तो आपको पता होगा सब एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादातर मिल जाते हैं, तो ये सब विजेट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जाते हैं हम कहाँ, उसके बाद एडिट होम स्क्रीन, यहाँ पे क्या मिलता है देख सकते हैं, यहाँ पे आइकन अरेंजमेंट मिल जाता है कैसे आपको आइकन करना है। उसके बाद स्क्रोल इफेक्ट, यानी कि ये सब इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक तरह का डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का डिज़ाइन है। उसके बाद कार्ड फ्लिप, ये भी ऐसा हो सकता है, तो ये सब वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन लेवल कलर का मिल जाता है, ये आप कलर कर सकते हैं, जो भी चाहे कलर कर सकते हैं, हम वाइट रखते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। तो उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद सिलेक्ट फॉन्ट मिलता है, और ये आप इस तरह का फॉन्ट को आप ये कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद तो जो टोटल आपका सेटिंग वगैरह है सब में इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये आपको जो रेडमी का सीरीज है यानी कि MIUI उसमें भी मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है अभी हमको करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम होता है, मैं यूट्यूब वाला करता हूँ। तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें जब भी आप करोगे तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो एक है, लेकिन उसमें भी दिया है रहता है और इसमें भी दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और बेसिकली मैं ये पहली बार Asus का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियो में बता दिया था, तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैं भी पहले Asus का OS को कभी यूज नहीं किया था, तो पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं हम कहाँ पे छोड़ गए थे, उसके बाद देखते हैं। तो ये हो गया विजेट्स के, हो गया एडिट होम स्क्रीन, हो गया, अब जाते हैं पिक्चर्स पे। और उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखिए, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे एक बटन मिल रहा है सो गूगल नाउ, उससे पहले क्या होता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सब गूगल का जितना भी आता है ये सब दिखाता है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ये दिखाता है क्या कुछ दिखाना चाहिए। तो उसको अगर आप बंद करना है, सिर्फ आपको ऐसे ही दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है और इसको ऑफ कर देना है। अब ये नहीं आएगा, आप देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं अभी और नहीं आ रहा है, उससे पहले आ रहा था। तो गूगल नाउ को ऑफ करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे रुके थे हम, एडिट होम स्क्रीन खत्म हो गया, प्रेफरेंस पे आते हैं। प्रेफरेंस में आपको क्या कुछ मिलता है, तो होम स्क्रीन मिलता है, ऐप लॉक मिल जाता है, हाइड ऐप मिलता है, और फीडबैक हेल्प अबाउट ये सब मिल जाता है। तो ऐप लॉक में और हाइड ऐप में आपको क्या कुछ फ़र्क मिलता है दिखा देता हूँ। तो ये ऐप लॉक है, आप पैटर्न के दौरान फेस अनलॉक के थ्रू और पिन अनलॉक के थ्रू आप ऐप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे एक लॉक कर देना है। यहाँ पे मैं पैटर्न अनलॉक करता हूँ, और ये हो गया सेट। तो कौन सा फ़ोन, कौन सा ऐप को लॉक करना है वो यहाँ पे मांग रहा है, जिस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं हम हाइड ऐप में, तो हाइड ऐप में क्या होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसमें आपको ऐप को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ का ख़त्म हो गया है, क्या कुछ आपको मिलता है आप देख लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ मिलता है तो वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन सेटिंग दिखा देता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे सेटिंग में, वहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया फ़ोन सेटिंग आपका, और फ़ोन सेटिंग में आपको क्या मिलता है, कॉल स्क्रीन, कीपैड, कीपैड में आपको क्या मिलता है थोड़ा देख लेते हैं हम, कुछ अलग मिल रहा होगा। तो कीपैड आ रहा है, फुल स्क्रीन कीपैड आ रहा है, और वॉइस इनपुट भी आ रहा है, तो स्मार्ट सर्च लैंग्वेज ये सब यहाँ पे दिया गया, स्पीड डायल भी दिया गया। उसके बाद मिलता है आपको कॉन्टैक्ट मिलता है, कॉल ब्लॉकिंग, ब्लॉक लिस्ट, ये सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। पर्सनल में आपको क्या मिलता है, तो कीपैड बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, कॉल लॉक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉल सेटिंग के अंदर, यानी कि आप जो डायल पैड होता है उसके सेटिंग के अंदर ये सब आपको मिल जाता है। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं, ये तो ख़त्म हो गया है, अब डायरेक्ट जाते हैं हम कहाँ पे, हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। दोस्तों मैं ये वीडियो को ऑलरेडी बना चुका था, आप टाइम भी देख सकते हैं उस टाइम क्या हुआ था, तो बना चुका था, लेकिन तभी याद आया कि आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं और स्प्लिट स्क्रीन जो होता है वो कैसे बनता है मैं आपको नहीं दिखाया था, तो इस वीडियो में अभी दिखाता हूँ जल्दी से आपको, तो इसलिए ये पीछे बहुत के उस वीडियो के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिंपली सेटिंग में जाना है, और अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है, क्योंकि सेटिंग में अभी काम करता है, उसके बाद आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह उस पर काम करता है, तो आपको सिंपली जाना है और यहाँ पर ये आपको ऐसा करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा होगा ये डबल है, ये तो ये स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, ये देखिए स्प्लिट स्क्रीन हो गया। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब चला सकते हैं, तो ये सब वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। ये है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, और उसके बाद आपको दिखा तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। एक तो आपको पता होगा सब फोन में ये यूज़ करने पर स्क्रीनशॉट होता है, नीचे वाला वॉल्यूम का नीचे बटन और पावर बटन एक साथ दबाने पर स्क्रीनशॉट होता है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर आप ये वाला स्विच को आप बहुत टाइम तक प्रेस करके रखेंगे तो वो भी स्क्रीनशॉट होगा। आप देखिए, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं। तो इस तरह का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा नया लगता है ये सब देखने के लिए, क्योंकि इसका टोटल यूआई अलग तरह का दिखता है। तो यहाँ पे कनेक्शन में जाते हैं, आपको क्या मिलता है, तो ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है, मोबाइल नेटवर्क, डाटा, हॉटस्पॉट, सिम कार्ड, कॉल, ये सब वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं हम ऐप नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे ऐप कितने इंस्टॉल हो गए हैं वो दिखाता है, ऐप डिफ़ॉल्ट ऐप दिखाता है, सिलेक्ट ऐप एसेस, ये सब वगैरह यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको अगर आपका फ़ोन लॉक है और उसके बाद भी आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके सेट कर सकते हैं। ये देखिए, डोंट शो नोटिफिकेशन ऑल, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट, हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन। तो आप चाहते हैं सिर्फ आपको व्हाट्सएप वगैरह दिखाई दे और बाकी सब कुछ दिखाई नहीं दे, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये सब सेटिंग मिल रहा है, तो आप जिसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस जो है वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप देखना है तो व्हाट्सएप रख सकते हैं, अगर आपको सब देखना है लेकिन व्हाट्सएप को छुपा कर रखना चाहते हैं, कौन सा भी मैसेज आए कोई देख नहीं पाए, तो आप इसको ये कर सकते हैं, डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल और शो हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सब वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं साउंड वाइब्रेशन में, साउंड वाइब्रेशन में आपको क्या मिलता है, तो नॉर्मल सी बात है ये सबको पता होगा, ये सब वगैरह मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद स्टोरेज मेमोरी में जाते हैं, तो यहाँ पे 8.32 GB पे ये पहले से अनबॉक्सिंग में दिखा दिया था, इतना अवेलेबल होता है, तो ये ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले से पहले मैं बैटरी छोड़ दिया, तो बैटरी भी जाते हैं हम, तो यहाँ पे बैटरी में आप देख सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइज किया है। डिटेक्ट बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स, यानी कि कौन कौन से ऐप्स जो है ज़्यादा बैटरी को खा रहे हैं यानी कि ड्रेन कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये डिटेक्ट कर जाएगा। उसका बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो दिखेगा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये नहीं दिखेगा, इसको ऑन करता हूँ ये अच्छा लगता है। और स्लिप टाइम भी यहीं पे आपको मिल जाता है, कितने टाइम का स्लिप देते हैं, मतलब कि अगर आप फ़ोन ऐसे रख दे रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर ये स्लिप मोड में चला जाएगा। ये सब सेटिंग यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आता है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है, जिसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं आप। ऑटो रोटेशन भी मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस भी मिल जाता है। ऑटो ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ, तो आप देखिए जैसे ऑफ कर दिया कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है। तो मुझे बेसिकली ऑटो ब्राइटनेस पसंद नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद आता है ऐप स्केलिंग, उसके बाद नेविगेशन बार आता है, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज आपको आप देखते हैं तो क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले साइज को बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेक्स्ट साइज है, जो मैसेज वगैरह होता है वो कैसा दिखेगा उसी के हिसाब से वो दिखाई देता है। उसके बाद फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज भी उसी तरह आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे साइज दिया गया है, फॉन्ट टाइप भी आपको मिलता है, फॉन्ट के ऊपर बहुत सारे मिलता है, जैसे कि MIUI में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे मिल रहे हैं, फॉन्ट टाइप मिल रहा है, फॉन्ट टेक्स्ट मिल रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल रहा है।
तो आप जो चाहे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर को ऑफ करना है, ये स्क्रीन सेवर ऑलरेडी ऑफ है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे फ़ोन रख देना और उसके बाद वो कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर भी है, ये ऑन है। एलईडी इंडिकेटर जब भी मैसेज आता है तो आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। मैसेज नोटिफिकेशन कुछ भी आता है या फिर चार्ज होता है तो तभी आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैसेज आता है तो वो उसके लिए वो दिखाता है। अगर आप बैटरी यूज करते हैं यानी कि चार्ज करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम में दिखाई देता है। और वो कहाँ पे है, नीचे नहीं, यहाँ पे है, इस जगह पे वो आपको दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का होता है। उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पे, तो ये एलईडी इंडिकेटर आप चाहे तो ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको बैक करते हैं, हम जाते हैं डिस्प्ले के बाद वॉलपेपर। वॉलपेपर तो पहले से दिखा दिया हूँ आपको, और क्या दिखाऊंगा, वही सेम चीज़ है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन, इसको भी दिखा देता हूँ। तो ये स्क्रीन लॉक यहाँ पे दिया गया है, पैटर्न आप मैं यूज किया हूँ, इसमें आप पिन भी रख सकते हैं। और उसके बाद फेस रिकॉग्निशन है, लॉक स्क्रीन प्रेफरेंस है। तो फेस बेसिकली आप जो फेस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक फीचर्स दिया गया, आजकल सब फोन में मिल जा रहा है फेस अनलॉक का। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर ठीक लाइट है, मतलब अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस लाइट कंडीशन में, ये आराम से काम कर जा रहा है। ज़्यादा डीप होगा तो शायद से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसके वीडियो देखना है तो वो भी बोल सकते हैं, हम दिखा देंगे। हम रियलमी C1 और ASUS ZenFone Lite का एक फेस अनलॉक कंपैरिजन करेंगे, किसका ज़्यादा जल्दी खुल रहा है वो देखने के लिए। अगर आपको इस तरह मज़ेदार वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। याद रखिए, रियलमी C1 वर्सेस ZenFone Lite L1, ये दो फ़ोन का हम फेस अनलॉक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन जरूर से लिख देना। ये फेस रिकॉग्निशन के लिए है, उसके बाद ये सब मिल जाता है। फाइंड माय डिवाइस ऑन है, सिक्योरिटी अपडेट अगस्त का है, जैसे कि ये अनबॉक्सिंग टाइम में दिखा दिया था, तो ये सब मिल जाता है सिक्योरिटी में। उसके बाद आता है एडवांस में, एडवांस में आपको JNU मिल जाता है, पेज मेकर मिलता है, गेम जेनरी मिल जाता है, किड्स मोड मिल जाता है। किड्स मोड बेसिकली क्या होता है, जो कि अगर आप MIUI यूज करते हैं तो वहाँ पे मिलता है, डुअल वॉइस मिलता है। तो उसी तरह है, आप एक मोड कर देंगे और उसे में आपको बहुत सारे बच्चों के लिए एक चीज़ दिया जाएगा, आप रख पाएंगे और उसको बच्चे सिर्फ देख पाएंगे और किसी आपका फ़ोन का जो चीज़ होता है वो आपको देख नहीं पाएंगे। उसके बाद इजी मोड, ये मुझे अच्छा लगा। और ये MIUI पहले देता था, आजकल भी दे रहा है, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पहला देता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो दिखाएगा। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ये ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, ये पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोर ऐप करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको जो ज़रूरत का चीज़ है वो आपको मिलेगा, फ़ोन कॉन्टैक्ट वेदर ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत ही बड़े बड़े अक्षर में मिल रहा है। ये बेसिकली यूज होता है जो ओल्डर एज वालों के लिए, जिनको ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है उनके लिए इतना बड़ा साइज यूज होता है। और ये MIUI में भी है, अभी तो 4XL का आ रहा है, नहीं तो उससे पहले जब रेडमी का 1 था मैं यूज कर रहा था उसमें ऐसा दिया गया था। ऐसे हो के यहाँ पे 2-3 ऐप सिर्फ दिखाई देते हैं बड़े बड़े के साइज में, और बहुत यूजफुल है जिसको दिखाई नहीं देता ज़्यादा, बहुत जब ओल्डर एज होता है कम दिखाई देता है, उसी के लिए ये सब दिया गया है। बैक करते हैं, हम सेटिंग में जाते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हो गया, नॉर्मल में आ गया है, और हम थे एडवांस पे, तो ये देखिए। उसके बाद स्टार्ट किया, डबल क्लिक वॉल्यूम किक करके टू लॉन्च कैमरा कर सकते हैं। जी हाँ, वॉल्यूम किक को डबल क्लिक कर देंगे तो ये कैमरा लॉन्च हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसको चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 हैंड मोड, ये आपको पता होगा अगर MIUI यूज कर रहे हैं तो 1 हैंड में, 1 हैंड में आपको यूज करने के लिए स्क्रीन का छोटा सा एक स्क्रीन हो जाता है और बाकी जगह प्लेन हो जाता है। आप सिर्फ इतना ही जगह पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार दिखा देता हूँ आपको, होम की को डबल क्लिक करने से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो हम डबल क्लिक कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 मोड ऑपरेट हो गया है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये मतलब लगभग ये ही आपका फ़ोन है, और यहाँ पे जो है ये सब हट गया है। बड़ा कर देते हैं हम इसको, और हम 100 मोड को ऑफ कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी। उसका ग्लोब मोड है, ये सेंसिटिव टच स्क्रीन वायरिंग के लिए ये दिया गया है। अगर आप ग्लोब पहने हैं उसके बाद ये आप यूज कर सकते हैं, तो ये फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये होगा एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद गूगल आता है, सिस्टम आता है, और सपोर्ट आता है। सपोर्ट में हमको जाना नहीं है, सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है। तो ये लैंग्वेज इनपुट यहाँ पे मिलता है, डेट टाइम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बैकअप है, और फॉर्मेट करना है फ़ोन को तो यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ ASUS ZenFone Lite L1 के बारे में कुछ पता चल गया होगा, क्या कुछ सेटिंग में आपको देखने को मिलता है, कैसे यूज़ करना है। और ध्यान रखना जो पहले से बता दिया था मैं कि फ़ोन जब भी आप खरीदना है इसका ओलियोफोबिक कोटिंग जो है, यानी कि कुछ डिस्प्ले का अंदर का चीज़ सॉफ्टवेयर पर नहीं बोला या फिर हार्डवेयर पर नहीं बोला, इसका जो ऊपर का हिस्सा है जो ग्लास लगता है वहाँ पर कोटिंग लगता है ओलियोफोबिक, वो वहाँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो स्मूथ नहीं हो रहा है। अगर आप ग्लास, जैसे कि मैं अभी टेम्पर ग्लास लगा दिया हूँ तो थोड़ा स्मूथ लग रहा है, नहीं तो बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा है। और डिस्प्ले क्वालिटी तो पता है आपको 720 है और TFT पैनल लगा, ये सब जो हुआ है जो है, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है ओलियोफोबिक कोटिंग वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप जरूर से याद करके स्क्रीन गार्ड लगा देना अगर आप ये फ़ोन को यूज कर रहे हैं। तो आई होप इसके वीडियो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, अगर इन्फॉर्मेशन मिला है और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इस तरह का लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो नीचे एक लाल कलर का बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।